गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी मैं क्लास फोर को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है रात के सहयोगी। रात हो चुकी है, नन्हा सर्वज्ञ सोने जा रहा है, मगर क्या आपको पता है, कई लोग इस समय काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लोग रात के अंधेरे में चमकते बल्बों की रोशनी में प्रतिदिन कार्य करते हैं। इनके कार्यों से हमारा जीवन सुरक्षित व सुखमय होता है, लेकिन बहुत से लोग इनके कार्यों व दुनिया से अनजान ही रहते हैं। आइए ऐसे ही कुछ लोगों को जानें। रात के 8 बजे हैं, आसमान का रंग गहरा हो चुका है, लेकिन एक भवन में जोर शोर से कार्य चल रहा है। यह एक अखबार का दफ्तर है। अगले दिन छपने वाली खबरें जमा हो चुकी हैं और छपाई के लिए तैयार हैं। प्रिंटर अपनी आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनों पर 2-3 घंटों में ही अखबार छापना शुरू कर देंगे। अगली सुबह 4 बजे तक अखबार छप कर दूर दूर भेज दिए जाएंगे। सुबह होकर उठने के पश्चात जब तुम अखबार पढ़ रहे होंगे, तब ये प्रिंटर सोने की तैयारी कर रहे होंगे। अब रात के 10 बज चुके हैं। बड़े डाकघर में बहुत से कर्मचारी पिन कोड की सहायता से चिट्ठियों को छांट रहे हैं। टेलीफोन एक्सचेंज में भी अनेक अब डाकघर के कर्मचारियों के बारे में बता रहा हूँ। अब रात के 10 बज चुके हैं। बड़े डाकघर में बहुत से कर्मचारी पिन कोड की सहायता से चिट्ठियों को छांट रहे हैं। टेलीफोन एक्सचेंज में भी अनेक लोग रात में कार्य कर रहे हैं। आधी रात हो गई है, यह क्या इस सुनी शांत सड़क पर यकाएक तेज सायरन की आवाज कहां से आ रही है? ये तो 3 दमकल गाड़ियां हैं जो कपड़ों की एक बहुमंजिली दुकान की ओर तेजी से दौड़ी जा रही है। किसी ने दुकान में एक धुआं निकलता देख दमकल विभाग में फोन किया था। सूचना मिलते ही चुस्त व जांबाज दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए निकल पड़े हैं। इधर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस कर्मी रात भर के लिए गश्त पर निकल पड़े हैं। रात का 1 बजा है, सारा शहर सो रहा है। सड़कें स्ट्रीट लाइट में नहाई हुई है। घरों में पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर आदि चल रहे हैं।
बिजली का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। शहर के बिजली घर में कई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन्हीं कर्मचारियों के कारण बिजली की आपूर्ति तुरंत सुचारू रूप से हो पा रही है। कारखानों में रात की पारी के कर्मचारी रात में भी काम में जुटे हैं। चाहे कैसा भी मौसम हो, हवाई अड्डों के कर्मचारी सारी रात कठिन परिश्रम करते हैं। रात के 2 बजे तक हवाई अड्डों पर कई हवाई जहाज उतर रहे हैं तो कई उड़ान भर रहे हैं। इंजीनियर और तकनीशियन रडार के स्क्रीन पर आंखें गराए विमानों की निगरानी कर रहे हैं। हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारी यात्रियों एवं उनके सामान की तलाशी ले रहे हैं। अब 3 बजे हैं। सैकड़ों टन सब्जियां व फल ट्रकों एवं मालगाड़ियों में भरकर लाए जा रहे हैं। कुछ ही देर में सब्जी मंडी व फल मंडी इनसे भर जाएंगे। भोर होने पर ये ताजी सब्जियां व फल ट्रकों ठेलों आदि पर लाद कर शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचा दिए जाएंगे। क्षितिज पर अब हल्का सा प्रकाश है। पूरब की ओर आसमान भी हल्का गुलाबी हो गया है, लेकिन सागर पर उठती गिरती लहरें अभी भी काली हैं। इन लहरों पर डोलती हुई कश्तियों पर खड़े मछुआरे अपने जाल समुद्र में से खींच रहे हैं। वे सारी रात इन्हीं नावों पर थे, क्योंकि इसी समय सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जा सकती है। कुछ ही देर में ये तट के समीप मछली बाजार पहुंच जाएगी, जहां थोक विक्रेता इनसे मछलियां आदि खरीदेंगे। ट्रिंग 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 घड़ी का अलार्म कह रहा है कि 5 बज गए हैं। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, मगर कई घरों में बहुत सी माताएं जाग चुकी हैं। शीघ्र ही वे अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाने में जुट जाएंगे। उन्हें अपने बच्चों व पति के लिए खाना बनाकर लंच बॉक्स में भी तो रखना है। अब सुबह के 6 बज गए हैं। दिन निकल आया है। अखबार बांटने वाला लड़का अखबार लेकर साइकिल पर निकल चुका है। वह 1 घंटे में इस कार्य को पूरा कर लेगा, फिर वह वापस अपने घर जाएगा। नहाने धोने व नाश्ता करने के पश्चात उसे अपने दफ्तर जाना है। वह वहाँ चपरासी का काम करता है। अब 7 से अधिक बज चुके हैं। सूरज तेज चमक रहा है। रात के कर्मचारी रात भर काम करने के बाद थक कर सोने के लिए घर जा रहे हैं, और उधर दिन के कर्मचारी काम पर जा रहे हैं। वे सभी तरोताजा लग रहे हैं, क्योंकि उनका दिन तो अभी प्रारंभ हुआ है। बच्चों, कुछ शब्दार्थ हैं जिसे याद कर लीजिएगा। प्रतिदिन मीन्स रोजाना, दफ्तर मीन्स कार्यालय, आधुनिक मीन्स आजकल की।
ऑटोमेटिक माने स्वचलित अर्थात अपने आप चलने वाली, यकाए अचानक दमकल गाड़ी आग बुझाने वाली गाड़ी, निगरानी करना निगाह में रखना, देखभाल करना, समीप मीन्स पास, सूर्योदय मीन्स सूर्य निकलना। धन्यवाद।